सब आज पत्रकार परिषद रखी गई है, पत्रकारों को संबोधित किया गया है, क्या मामला है, क्या कहना चाहेंगे? मुंबई की बढ़ती नशाखोरी को देख के हमारे कमिश्नर आशुतोष डुंगरे साहब ने ऐसी नशीली चीज़ें बेचने वालों के खिलाफ, नशाखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के आदेश दिए थे। उन आदेशों को लेकर हमारी कड़वा डिवीजन की जो स्पेशल टीमें हैं उनको हमने अलर्ट किया था। वैसे ही उसी मुहिम के अंतर्गत मुंब्रा पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन स्टाफ के ऑफिसर एपीआई कोरोडर उनकी टीम को इन्फॉर्मेशन मिली कि एमएम वैली कौसा मुंब्रा यहाँ पे एक एलाइट बिल्डिंग है, वहाँ पे एक आदमी गांजा किसी को डिलीवर करने के लिए आने वाला है। वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने वर्कआउट किया, वहाँ पे जाके ट्रैप लगाया और रात के टाइम वहाँ पे एक शख्स को पोजिशन में लिया गया जिसके सर्च पे 10 किलो गांजा पाया गया है और उसके साथ उसकी मोटरसाइकिल है बर्मन कंपनी की जिसकी कीमत है लगभग 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपये का ये गांजा, ऐसा लगभग 3 लाख का माल वहाँ पे पकड़ा गया है। आरोपी का नाम है नदीम चपर से जो रहता है मलंगवाड़ी अंबरनाथ में। ऐसे ही काम करके एक दूसरी टीम जो है एपीआई रोहित केदार उनकी टीम को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक नाइजीरियन फेलो यहाँ पे ऐसे कुछ मेपेड्रॉन नाम का ड्रग डिलीवरी करने के लिए आने वाला है। तो उन्होंने भी अपनी टीम के साथ ट्रैप लगाया और उन्होंने नाइजीरियन जिसका नाम है इफोनी जिनिका माइक अलाइस केसी जिसकी उम्र है 34 साल फिलहाल रहता है वो घरघर में और नाइजीरियन है ओरिजिनल, वो शख्स पाया गया जिसकी सर्च में 55 ग्राम मेपेड्रॉन जिसका कीमत है लगभग 1,65,000 हासिल किया गया है। और दोनों को कस्टडी में लेके उनकी उन्होंने जहाँ से माल लाया है जिसको डिलीवर करे उसकी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। अब तक ये मुंब्रा पुलिस स्टेशन के कार्रवाई में 425 नशाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और 21 पोजीशन के केसेस किए गए हैं जिसमें से लगभग 1,40,00,000 का माल अब तक सीज किया गया है। ऐसी कार्रवाई हम लोग आगे और भी करेंगे ताकि मुंब्रा पूरा नशाखोरी मुक्त हो जाए। पुलिस या जांच में क्या पता चला है मुंब्रा में किन किन लोगों के संपर्क में थे ये लोग? ये पुलिस जांच चल रही है, अभी ये इन्वेस्टिगेशन ये स्टेज पे है कि हम लोग उनके नाम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। वक्त आने पर जैसे हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड था दोनों का? क्रिमिनल बैकग्राउंड हम लोग सर्च कर रहे हैं। सर नाइजीरियन पकड़ा गया, ये नाइजीरियन कहाँ का रहने वाला था और यहाँ किसको माल डिलीवर करने आया था? वही जो बोला कि वह जो फिलहाल कारगर सेक्टर 27 में रहता है और ओरिजिनल नाइजीरिया का है और यहाँ पे किसको डिलीवर कर रहा है करने आया था और क्या क्या नेटवर्क है ये अभी कॉन्फिडेंशियल होने की वजह से पब्लिकली नहीं किया जा सकता है। सर पिछले कुछ दिनों से देखा गया है कि नाइजीरियन लोगों का मुंब्रा में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देखा जा रहा है, क्योंकि जो पहले खारगर कलोजा साइड पर देखा जा रहा था वो यहाँ पर है, तो मोस्टली ये लोग ड्रग्स से ही रिलेटेड होते हैं, तो इनके ऊपर भी कुछ एक्शन लेंगे या उनका आपके पास कुछ बायोडाटा होता है जैसा पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह कि ये लोग कहाँ से है, क्या है, व्हाट आर द बैकग्राउंड्स? ये लोग बेसिकली यहाँ के तो नहीं है और ना ही मुंबई में रहते हैं। जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे हम लोग कार्रवाई के बारे में इन्फॉर्म करते हैं, वो लोग उसको फॉलोअप करते हैं, हम लोग भी एक केस के बारे में फॉलोअप करते हैं, कंसर्न एम्बेसी जो है उसको एक केस के बारे में बताया जाता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि मुंब्रा बहुत बड़ा जरूर पट्टे वाला एरिया है, नशाखोरी चलती है, इसलिए उन लोगों को लगता है कि आप तो स्टॉक मार्केट है, लेकिन हमने जैसे बताया कि आज तक हम लोगों ने लगभग 425 लोगों पे कार्रवाई की है, तो ऐसे नाइजीरियन लोग भी यहाँ पे पकड़े जाने की अभी वार्ता कम होती जा रही है, ताकि उनको भी लग रहा है कि यहाँ पर भी पुलिस अलर्ट हो गई, यहाँ पे ऐसा अपना काम नहीं चल सकता है।